सबसे पहले अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि आदिपुरुष मूवी की तरफ से। बेसिकली आदिपुरुष मूवी के अंदर कई सारे हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर खुद एल्विश यादव ने भी रिएक्ट करा है, जरा आप लोग खुद सुन लो। भाई आदिपुरुष देखी मैंने अभी, तुम्हारी कसम मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मैं कुछ, मेरा तो क्या ही लेना देना है ना, मतलब कि मूवी मेकर चाहे अच्छी बनाए चाहे बुरी बनाए, मैं तो बस एक नॉर्मल रिव्यू दूंगा। जो मैं सोच के गया था कि जिस हिसाब से ट्रेलर था, मतलब ट्रेलर भी थोड़ा VFX में कमज़ोर था, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कई एस्पेक्ट्स में गलत हैं। मतलब सबसे पहले अगर तुम प्रोफेशनलिज्म की बात करो तो 600 करोड़ रुपए जैसे फिल्म पे लगा रखे, तो 600 करोड़ की भाई फिल्म नहीं है ये तो बहुत कम बजट की मूवी होनी चाहिए थी अगर कायदे से देखा जाए तो। इन्हें पैसे मांग लगाई है, और मैं कोई वो नहीं हूँ कि भाई मैंने श्रीराम की बेइज्जती कर दिया फिर श्रीराम के, नहीं भाई वो उनकी तो बेइज्जती कर ही नहीं सकता कोई, मतलब समझ रहे हो ना तुम। ये तो अलग चीज़ होगी, मूवी है ये, मूवी है, इन्होंने बल्कि बेइज्जती कर रखी है। क्या क्या चीज़ में, एक तो डायलॉग्स में, स्क्रीन प्ले में, स्टोरी में, कैरेक्टर्स में, हर चीज़ में, मतलब कि रावण बना रखा। और एक तो एक चीज़ है कि लंका में सिर्फ अंधेरा है भाई, सिर्फ अंधेरा, मतलब कुछ और भी नहीं है, अंधेरे में चल रही पूरी फिल्म। वहीं पर अगली अपडेट है स्पीड की तरफ से। बेसिकली स्पीड फाइनली रोनाल्डो से मिल चुके हैं, आप लोग उनके चैनल की खुशी देख सकते हो। इसके बाद इन्होंने एक और छोटी सी वीडियो डाली थी, आप वो भी देख लो। रोनाल्डो ब्रो स्टॉप प्लेइंग विद मी ब्रो, आई डू दिस ब्रो, स्टॉप प्लेइंग विद मी ब्रो। That's OG Portugal, fellow Portuguese, bro. Shout out to Portugal, shout out to my man Rafael Leo. Shout out to Yuri Costa, bro. I just did that, bro. Y'all don't know what the f*** I've been through, bro. All that shit I've been through, bro, and I just met him, bro. It's too easy, bro. Let's go, bro. Portugal for life, bro. I don't care about nothing, bro. I can die right now, I don't care, bro. Portugal for life, bro. अगली अपडेट है बिग बॉस के रिगार्डिंग। आप लोगों को पता ही होगा बिग बॉस के अंदर इस बार फुकरा इंसान भी गए हैं और साथ में हम लोगों को पुनीत सुपरस्टार भी देखने को मिले हैं, जहां पर हम लोगों को फुकरा इंसान के बारे के अंदर एक रिपोर्टर कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ नजर आया कि ये तो खामा खा का हवापन है, बहुत सारी चीजें बोली थी उसने। उस चीज को फुकरा इंसान को भी काफी ज्यादा बुरा लगा। और वहीं पर जब सलमान खान सुपरस्टार पुनीत की एंट्री के लिए बोल रहे थे तो इस बारी वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, एक तरीके से जैसे कि मजाक उड़ा रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा वैसी फीलिंग आई काफ़ी लोगों, और काफ़ी लोगों को वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप लोग पूरे इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ जाके चेक कर सकते हो। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते पूरी सुपरस्टार ने हिस्ट्री बना दी, वो ये था कि वो 24 घंटे के अंदर ही बिग बॉस हाउस से बाहर निकाल दिए गए थे। बेसिकली रीज़न उसका ये चीज़ बताई गई है कि पुनीत सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाई थी और वो साफ भी नहीं कर रहे थे और वो अड़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी बाकी लोगों को, जिसके चलते उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। काफ़ी लोगों की वोट ली गई थी और वोट के अनुसार उन्हें फिर वहाँ से बाहर कर दिया गया था। अब मैं क्लिप तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट देते हैं यार ये लोग, जिसके चलते आप लोग खुद ही देखना पड़ेगा या फिर आप लोगों इंटरनेट पर ये भर के देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ क्लियर है, जैसे इन्होंने पुनीत सुपरस्टार को निकाला है उसके बाद इनका डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि खाली दो ही जनों के चलते देख रहे थे, एक तो पुनीत सुपरस्टार, दूसरा फुकरा इंसान, उनमें से मैं भी एक था। अगली अपडेट है गेमर फ्लीट के रिगार्डिंग। तो गेमर फ्लीट ने कुछ समय पहले बोला था कि भाई मेरे घर पर मत आना, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। उसके बाद काफ़ी लोगों ने क्या करा, काफ़ी लोगों ने जब व्लॉगर का नाम लिया तो सौरभ जोशी से रिलेट कर दिया कि भाई सौरभ जोशी आते इसके घर, सौरभ जोशी ने रास्ता दिखा दिया, सौरभ जोशी ने ये कर दिया। उसके ऊपर गेमर फ्लीट को खुद कुछ बोलना पड़ेगा, आप खुद सुनो। भाई गर्मी हुई रही है तो एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो लोग भाई वो बना रहे रीले बना रहे शॉर्टे बना रहे बेशरम कहेंगे भाई ये बोल के कि वो जो मैंने दो तीन दिन पहले बोला था कि प्लीज़ घर पर मिलने मत आना, जो कि भाई प्लीज़ घर पर मिलने मत आना कि मैं मिलूंगा नहीं किसी से, तो भाई मैंने ये बोला कि भाई व्लॉगर आके रस्ते का वीडियो बनाए थे, भाई मैं दूसरे व्लॉगरों के बारे में बोला था, सौरभ भाई के बारे में बोला था क्या मैं, भाई सौरभ भाई जान है मेरी यार, मैं सौरभ भाई के बारे में बोला था क्या, वो मैं ऐसे बोल रहा था कि भाई कोई भी व्लॉग बनाते हुए आता है भाई मैं उनसे बोलता भी प्यार से, जब मैं मिलता था मैं बोलता था प्यार से कि भाई प्लीज़ यार रास्ता मत दिखाना, गेट मत दिखाना, ये मत दिखाना, भाई वो बंदे लिटरली पहले हाँ हाँ भैया नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, और उसके बाद मैं उनके व्लॉग देखूंगा बिल्कुल एकदम ऐसा दिखाएंगे, बिल्कुल एकदम यहाँ से जाओ लेफ्ट राइट पूरा दिखा रहे हैं भाई, बोल भी रहे हैं ऊपर से कम हो रहा है कहने को कि यहाँ से जाओ ऐसे करो ऐसे करो, इसीलिए नहीं मिल रहा हूँ मैं घर में किसी से।